फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग वोकैबुलरी सीख रहे हैं, और वोकैबुलरी में हमारा फ्रेजल वर्ब चल रहा है। तो गाइस, फ्रेजल वर्ब में आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग जो है फ्रेजल सीखेंगे, जिनको आप अपने लैंग्वेज में यूज़ करके अपने लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए सीखते हैं आज के कौन कौन से वर्ब्स हैं। तो पहला वर्ब आता है गाइस, कम डाउन। ओके, देखिए हम कम वाली ही सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें बहुत सारे हैं, कम फॉरवर्ड, कम डाउन, कम इन, कम ऑफ, क्लोज डाउन, राइट। तो आगे भी हम सीखेंगे कौन कौन से ऐसे फ्रेजल्स हैं जो कम से मिला के बन सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है टू बिकम लोअर और चीपर, यानी कि नीचे आना या सस्ता होना। ओके, तो द प्राइस ऑफ, एग्जाम्पल देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो जल्दी ही कम हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कम फॉरवर्ड, टू ऑफर हेल्प, यानी कि कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सहायता के लिए आगे आना, किसी की हेल्प करने के लिए आगे आना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा, सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि जो फ्लड विक्टिम्स थे उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आगे आए। नेक्स्ट इज़ क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप ऑपरेटिंग, यानी कि कोई चीज़ बंद हो जाना, ऑपरेट हो रही थी लेकिन अब वो बंद हो गई है। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज डाउन। ओके, नेक्स्ट इज़ कम इन फोर। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं जो भी फ्रेजल्स हैं, आप लोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसकी फॉर्म में चेंज ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लोज्ड लिखा है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलती है। ओके, नेक्स्ट इज कम इन फोर। कम इन फोर का मतलब होता है टू रिसीव या सब्जेक्टेड टू, यानी किसी चीज़ का सामना करना। ओके, सामना करना। तो एग्जांपल है, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का, बहुत सारे आलोचना का जो है सामना करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट इज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू ओरिजिनेट या फिर टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि उत्पन्न होना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, नथिंग केम ऑफ, देखिए यहाँ पर भी हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट्स थ्रू ही ट्राइड, सॉरी दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है। देखिए, कुछ भी उसके एफर्ट्स से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, यानी उसके एफर्ट्स से कुछ भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, हालांकि उसने क्या किया था, बहुत कोशिश की थी। तो गाइज, देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे से लाइक वर्ब्स हैं, जिनकी वजह से देखिए हर जगह मीनिंग चेंज हो जाता है। कम डाउन है तो मीनिंग चेंज है, फॉरवर्ड लगा दिया तो कुछ और मीनिंग बन गया, इन लगा दिया, इन फोर लगा दिया साथ में तो कुछ और मीनिंग हो गया, यानी कि इस कम के साथ में हम कुछ और कोई और प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये चेंज हो जा रही हैं, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं, कुछ और मीनिंग ओरिजिनेट कर रही हैं। तो चलिए सीखते हैं कम से मिला के और कौन कौन से और वर्ब्स हमारे बनते हैं। ओके, तो गाइज, नेक्स्ट इज कम ऑफ। देखिए, पहला वाला जो कम ऑफ था उसमें सिंगल एफ था, यहाँ पर हमारा एफ दो बार है, डबल एफ है। ओके, तो कम ऑफ का मतलब होता है हैपन या फिर सक्सीड, होना या सफल होना। ओके, तो द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, यानी कि भाई मेरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी जो डील थी वो सफल नहीं हो पाई। ओके, नेक्स्ट इज कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू कम इनटू पब्लिक व्यू या हैपन, यानी कि बाहर आना या फिर जाहिर होना, ठीक है, पब्लिक व्यू में आना। तो एग्जाम्पल है, द इन्वेस्टिगेटिंग टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ एज सून एज पॉसिबल। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, यानी कि जो अन्वेषण कर रही है टीम, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, पब्लिक व्यू में लाना चाहिए, यानी कि बाहर लाना चाहिए जो भी सच्चाई है, एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी संभव हो सके। नेक्स्ट इज कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना, यानी कि टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, यानी कि हमने किसी और के विचारों को मान लिया है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू बाय माई साइड, सॉरी टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ ही एग्रीज टू माई ओपिनियन, यानी कि उसने कुछ टाइम लिया है ना मेरी बात मानकर विचार बदल लेने में, लेकिन अब वो एग्री है मेरे विचार पर, यानी मेरी राय पर। ओके, मेरी ओपिनियन पर। नेक्स्ट इज कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है टू डू वॉट इज नीडेड, ठीक है, और एक्सपेक्टेड
और टू बिकम कम्युनिकेटेड, यानी कि जो ज़रूरी हो वो करना या फिर कम्युनिकेट करना, यानी कि संप्रेक्षित करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है द मैसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर केम थ्रू, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, द मैसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, यानी कि जो मैसेज था प्रधानमंत्री जी का वो कैसा था, जो संप्रेक्षित किया कैसे, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लाउड एंड क्लियर। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं और कौन कौन से फ्रेजल्स हैं जो कम से मिलके बनते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट इज कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है टू फॉल या फिर टू पास बाय एज ट्रेडिशन, यानी कि या तो नीचे आना या फिर एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। होता है ना कि जो हमारे कस्टम्स होते हैं वो एक पीढ़ी से, यानी कि जो बहुत प्राचीन काल के हमारे जो रस्म और रिवाज होते हैं या रीति रिवाज आप बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम डाउन। फॉर एग्जाम्पल, दीज कस्टम्स हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ओके, नेक्स्ट इज कम टू। कम टू का मतलब होता है टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर टू गेट रिजल्ट, यानी कि या तो होश में आना या फिर नतीजा होना किसी चीज़ का। तो फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं कि ही केम टू हिज सेंसेस, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, ही केम टू हिज सेंसेस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, यानी कि कुछ समय के बाद वो अपने होश में आ गया था, ठीक है। तो केम टू का मतलब आता है होश में आना। नेक्स्ट इज कम अप। कम अप का मतलब होता है मूटेड और रेस्ड फॉर डिस्कशन, यानी कि उठाना, मुद्दे की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं द इशू, एग्जाम्पल के तौर पर द इशू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस, दो बार ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग के दौरान जो इशू है सेफ्टी का वो दो बार उठा, ठीक है। नेक्स्ट इज कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब होता है अचानक मिलना, टू मीट बाय चांस, अचानक से मिलना। तो आई केम अपॉन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पर भी देखिए हमने केम अपॉन का यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ की है, सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। तो आई केम अपॉन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स, यानी कि मुझे जो है अचानक से ये खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट मिला, जबकि मैं क्या देख रहा था, डेकोरेटिव आइटम्स देख रहा था। तो गाइज देखिए, कम वर्ड से आपके कितने सारे फ्रेजल्स जो हैं वो बन रहे हैं, और कितना लाइक एक ही वर्ड को अगर हम पिक करके इतने सारे फ्रेजल्स बना सकते हैं और अपने लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एडवांस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इनको लर्न कीजिएगा, 3 से 4 बार एक दिन में अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कीजिएगा। जब आप इनको अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो गाइज़ क्या होगा, आपको जो है इनकी आदत हो जाएगी और आपकी लैंग्वेज में ये इजीली उतर जाएंगे। तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, तभी इनको पढ़ने का आपका फ़ायदा है। सो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।